में मंगलवार सुबह एक मजदूर परिवार के दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि परिवार के पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि अचानक मकान की छत आन गिरी और पूरा का पूरा परिवार मलबे में दब गया। पड़ोस के लोगों ने पहुंचकर इस परिवार को मलबे से निकाला। दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि बाकी पांच को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। संगरूर जिले के कस्बा मुनक में सुबह करीब 5 बजे यह घटना उस वक्त घटी जब यहां बाजीगर बस्ती में मुंशी राम अपने परिवार के साथ मकान में सो रहे थे। अचानक मकान की खस्ता हाल छत गिर गई, जिससे पूरा परिवार मलबे में दब गया। छत गिरने की आवाज सुनते ही पड़ोसी जमा हो गए व लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में से परिवार को बाहर निकालने का प्रयास किया। परिवार को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां रिंकू व खुशी नामक दो बच्चों की मौत हो गई है। मुंशी राम पत्नी शीला देवी अस्पताल में उपचाराधीन है। मलबे में फंसे लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे ग्रामीण रांझा राम व पंचायत सदस्य काला राम भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल से पटियाला रेफर कर दिया गया है। अचानक एकदम छत डिग गई, 6 बजे रौला रूला पैंदे, साडा घर सामने इन्हां दे रौला रूला पैंदे हैं। फिर काफ़ी इकट्ठे हो गए, जो देखे जी सारे जी इन्हां दे थले दबे हुए थे। किन्ने जी सी टोटल कर ली? 6 मैंबर सीगे जी एक कमरे के, जिन्हें भी छत डिग गई। तो किसी कोई मौत वगैरह भी हुई? हाँ जी, 2 एक्सपायर, 2 बच्चे जी। तो और जो जख्मी ने कितने? वो इस मिनट जी हॉस्पिटल से नहीं, सरकारी हॉस्पिटल से। किन्ने के जख्मी ने? वो काफ़ी जख्मी ने, बाकी रिंकू राम मुंडा है, 12-13 साल की उम्र है, वो भी डेथ हो गई। एक लड़की है, लड़की की 10-11 के करीब उम्र है उसकी। बाकी जो कढ़ने वाले सीगा रांझा राम, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਪਰਮਜੀਤ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ। ਬਾਕੀ 4 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ? ਭਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲਓ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦਾ ਹਿੱਲਾ। ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਛੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। 2 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਿੰਕੂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਖੁਸ਼ੀ, 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਗਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਰਾਂਝਾ ਰਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਢੋਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉੱਥੋਂ ਮਲਬੇ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਸਟ ਏਡ ਲਈ ਭਿਜਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੋਂ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਟੋਹਾਣਾ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। JBD Banquets ਲਾਏ ਹੈ Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।